कुरवी थाना अंतर्गत ग्राम ककरुआ पठार पर विगत मंगलवार एक विकलांग विवाहिता के साथ उसके ससुराल वालों ने मारपीट कर दी। महिला ने बताया कि पिछले वर्ष उसके देवर ने महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था, जिसकी शिकायत महिला ने थाने में की थी। उस प्रकरण में राजीनामे को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। बात नहीं मानने पर महिला के सास ससुर पति और देवर ने मिलकर उसके साथ डंडे लात घूंसे से मारपीट की। महिला ने बताया कि उसके एक पैर में हथौड़े से कील ठोक दी गई। 100 डायल की मदद से पीड़ित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरुवाई पहुंची, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़िता ने बताया कि पुलिस ने अस्पताल जाकर बयान तो दर्ज किए थे, परंतु ससुराल वालों की राजनीतिक पकड़ के चलते उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस संबंध में जब गुरुवाई थाना प्रभारी TI वीरेंद्र मास्कोले से बात की गई तो महिला की शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया गया है, ऐसा बताया गया है। साथ ही आरोपी की तलाश भी जारी है। विदिशा गुरुवाई से हासिल सेलिंग रिपोर्ट। तो याद है आपके पास? हाँ, मित्र SI आए थे। हाँ, उन्होंने हमारे बयान लिए थे और हमने सभी लोगों के नाम लिए, 6 लोगों के नाम लिए थे। 6 में से उन्होंने 3 लोगों के नाम लिखे हैं और जो हमने वारदात बताई थी, जो घटना हमने जिस क्रम से बताई थी उस तरीके से ना लिखते हुए उन्होंने कहते हैं उसमें दूसरे तरीके से मतलब लिखा है। क्या नाम था उनका जो आए थे आपके पास? मिश्रा बुलाते हैं, हमें पूरा नाम उनका पता नहीं है। किस किस के नाम नहीं लिखे उन्होंने? उन्होंने जेठ के, बड़े ससुर के और उनके लड़के के, सब हमारे फैमिली वालों के लिखे हैं, हमारे ससुर के और देवर के और हस्बैंड के। ग्राम कोठा पंचायत सरावली, हमारे परिवार वालों ने हमारे साथ मारपीट की है और हमने नवंबर में हमारे देवर ने हमारे साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने की कोशिश की, उसके चलते हमने 76 का केस किया था। तो उसके बयान बदलने के दबाव में हमारे साथ मारपीट की है और हमारी फैमिली में ससुर, हमारे जेठ और बड़े ससुर और हस्बैंड सभी ने मिलकर हमको मारा और कहते डंडों से इस बहुत तरीके से मारा है और पैर में कील ठोक दी और मरा हुआ समझ के छोड़ के आ गए और 100 लेके हमें आई थी हॉस्पिटल में। हम 5 दिन से भर्ती हैं, 15 तारीख को हमें यहाँ एडमिट किया गया था। जब से हम बिल्कुल अकेले हुए, ना कोई हमारे ऊपर कार्रवाई की गई है उन लोगों के ऊपर और ना कोई कहते कर्मचारी, ना कोई कहते विभाग हमारे लिए यहाँ आया देखने के लिए। हम यहाँ जब से अकेले पड़े हैं। आनंदी शर्मा, ग्राम कोठा। बच्चे को एक मेडिकल तहरीर आई थी हॉस्पिटल से, जिसमें एक महिला जो कि जख्मी हालत में थी, उसके साथ मारपीट उसके ससुराल पक्ष द्वारा किया गया था, जिसपे हमने उसमें देहाती नालसी ली गई है, उसके ससुराल पक्ष वालों पर मुकदमा कायम किया जा चुका है। महिला का आरोप है कि कोई कायम नहीं है, उसमें अपराध पंजीबद्ध किया जा चुका है। धारा 323 दुष्कर्म 506 के अंतर्गत कायमी हो चुकी है और विवेचना चल रही है, आरोपी की तलाश की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।